हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में। प्रेजेंट टेंस के बारे में हमने जाना था पिछले क्लास में, और मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कैसे क्या होता है उनके बारे में मैंने ब्रीफ दिया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस पिछले क्लास में मैंने आपको ब्रीफ दिया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर कोई भी सेंटेंस होगा तो वो सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस होगा, वो कैसे पहचानेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। तो कह रहा है कि इसके अंदर जो भी सेंटेंस आएंगे, या तो वो आपकी आदत हो, यानी कि आपका बिहेवियर बन जाए, आपका हैबिट बन जाए, तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, या फिर कोई भी आपका टेम्पोरेरी एक्शन जो है, कोई भी आपका टेम्परेरी एक्शन जो है वो टेम्परेरी एक्शन वाला सेंटेंस आपका क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। इसके अंदर क्या था कि मैंने कहा था कि पहचानना और आसान करने के लिए मैंने बताया था कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये अगर दिया हो तो भी आप पहचान सकते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य है। मतलब कि याद करने के, समझने के, रटने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी आपको। मैं तोड़ के इसलिए बता रहा हूं कि रटने की आवश्यकता नहीं है, अभी तक आपने रटा होगा, रटना है ही नहीं। सिंपल का मतलब सिंपल जो आपकी आदतें हैं, सिंपल में जो कार्य करते हैं, सभी के सभी सिंपल प्रेजेंट टेंस के होंगे। जैसे मैं आज बाजार, मैं रोज 3 बजे बाजार जाता हूं, तो कंफर्म हो गया कि 3 बजे जाना मेरी आदत है, कौन सा सेंटेंस होगा, यह प्रेजेंट का होगा। मैं 2 बजे उठता हूं, तो ये क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट का हो गया। लेकिन कभी कभी फ्यूचर प्लानिंग, नियर फ्यूचर वाले सेंटेंस भी हमारे क्या हो जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही आ जाते हैं। जैसे कल दो बजे आप मुझसे मिलेंगे, ये फिक्स हो गया, कल 2 बजे एकदम फिक्स, द टाइम इज फिक्स, प्लान इज फिक्स, मतलब कि अबाउट टू एक्शन, ऐसा चीज हो गया कि अब एक्शन ही होना है, बस कल आने वाला या मिलने वाली है हम, तो टेम्पोरेरी एक्शन में आ गया, बस होने ही वाला है, तो टेम्पोरेरी एक्शन हो गया। जब सेंटेंस टेम्पोरेरी एक्शन बताया तो उसका मतलब कि वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। ये तो सबको पता था, ये मैंने पीछे बता दी थी आपको। बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, अर्थात की रूल की, जिस पर ये सेंटेंस बनाए जाते हैं, उन्हें स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर में मैंने चर्चा किया था कि पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब, और वर्ब का पहला फॉर्म, या फिर वर्ब का 5वां फॉर्म, अर्थात कि आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं वर्ब 1 के साथ एस या ईएस लगा दीजिए, आप प्लस में आप क्या कर लीजिए, ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, तो ये सेंटेंस आपका एसर्टिव बनेगा। कैसा बनेगा, assertive sentence, अर्थात कि सकारात्मक सेंटेंस आपका बनके तैयार होगा। इसके बनाने के लिए मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जो किसी काम को करेगा, देखिए जब भी आप सीक्वेंस में देखते हैं वीडियो क्लासेस तो आपको पूरी स्टेप्स क्लियर होती है, पीछे की क्लास में मैंने बताया इसके बारे में, तो आप अगर नहीं देखे हो तो पीछे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका दिया होगा लिंक इस आपके वीडियो के क्लिप का, पूरा क्या कहते हैं आपके प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाके एक एक करके देख लीजिएगा, क्लियर। तो क्या होगा कि सब्जेक्ट मैंने बताया था, जब कोई काम को करता है तो सब्जेक्ट आपका, तो ये हो गया सब्जेक्ट आपका, जो काम को वह करेगा वह वर्ब हो गया, और जिस काम का प्रभाव किसी चीज पर पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, क्लियर। ऑब्जेक्ट हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, या कोई भी अदर वर्ड हो सकते हैं, कुछ भी अलग होगा वो सभी के सभी आ जाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, रमेश बाजार जाता है, रमेश बाजार जाता है, सेंटेंस देखिए कितना इजी है, और बनाना उनसे भी इजी। एक चीज आपको याद रखना है कि कभी भी जो शॉर्ट नॉलेज होती है ना, वो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो ध्यान ये रखना है आपको कि अगर कहीं कहीं से अगर कुछ रूल रेगुलेशन आपको पता हो तो गलती से भी रूल से बाहर जाकर अपने मन से उस रूल के अंदर कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, इतना आप लोगों को सावधानी रखना।
कि सेंटेंस के अंदर आपको पता है, इज आर एम होता है तो ये भी जोड़ दिए, डू डच पता है तो वो भी जोड़ लिए, डिड पता है तो वो भी जोड़ लिए, तो जो पता है सारा कुछ का एम्पली अब जो जो आपका एग्जीक्यूशन है सभी एक ही सेंटेंस में नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा किसका यूज कहाँ पे करना है, लेकिन जितना रूल कह रहा है, जितना स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बनाइएगा। क्लियर है? तो कहते हैं कि रमेश बाजार जाता है, पीछे जितना भी रूल आपने रट के रट्टा मारा था सब भूल जाओ, सब भूल जाइए आप रट्टा मारने वाली बात। सीधा बात आइए आराम से कीजिए कि इसमें सब्जेक्ट को चुनिए कौन है। तो सब्जेक्ट मैंने बताया, जो किसी काम को करेगा तो जाने वाला काम कौन करता है भाई? रमेश। रमेश जा रहा है तो रमेश क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट। तो पहले क्या करना है, सब्जेक्ट के नीचे लिखना है, तो रमेश लिख दिया हमने, आर ए एम ई एस एच। क्लियर है यहां तक सब किसी को? पहले हमने नाम लिख दिया क्योंकि पहले सब्जेक्ट रमेश ही था। उसके बाद कह रहा है वर्ब वन या वर्ब फाइव। अब बात आती है आपके दिमाग में, बात चला होगा कि वर्ब वन होगा कि वर्ब फाइव होगा, ठीक है? अब तो कंफ्यूज होने वाली बात है, तो कंफ्यूज बिल्कुल ही नहीं हुई है। आप नोट में लिखिए और नोट में हमेशा इसे याद रखिएगा। नोट में पर्सन तीन होते हैं, इधर मैं नहीं दिखता ना, इधर लगाता हूं नोट, इधर मैं दिख रहा हूं, गुड। देखिए तो पर्सन आपको पता है कि तीन होता है, फर्स्ट पर्सन, एक सेकेंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। क्लियर है सबको? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, रटना इसमें भी कुछ भी नहीं है, तीनों पर्सन ऐसे ही याद होगा। ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, जो बोले वह फर्स्ट पर्सन, मैं बोल रहा हूं तो मैं कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। अगर आप बोलेंगे तो आप फर्स्ट पर्सन, अगर रोहन बोलेगा तो रोहन फर्स्ट पर्सन, जो बोलेगा तो वह हमारा होगा फर्स्ट पर्सन, जो बोलेगा वह क्या कहलाएगा? फर्स्ट पर्सन। क्लियर है? तो बोलेगा कौन? या तो मैं बोल सकता हूं, आप बोलेंगे तो कहेंगे मैं बोलूंगा तो कहूंगा मैं, लेकिन जब मैं भी बोलूंगा और मेरा एक फ्रेंड है वो भी बोलेगा, जब दोनों आदमी बोलेंगे हम लोग तो क्या कहेंगे? कि हम दोनों बोल रहे हैं। जब हम दोनों बोलेंगे तो वहां पे आई के जगह पे हम लोग के जगह पे क्या लगा देंगे? हम लोग वी लगा देंगे, यानी मैं बोलूं या हम दोनों बोले, यानी हम लोग बोले, तो आई और वी यही लोग बोल सकते हैं, तो इससे हम लोग क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। क्या कहेंगे इससे हम लोग? फर्स्ट पर्सन, यानी जो किसी बात को बोलेगा, जो किसी बात को कहेगा या बोलेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे फर्स्ट पर्सन। उसे क्या कहेंगे? फर्स्ट पर्सन। तो आई और वी क्या हो गया हमारा? फर्स्ट पर्सन हो गया। और सेकेंड पर्सन क्या कहता है? जो दूसरा काम करे, मतलब जब मैं बोलूंगा तो कोई ना कोई ये सुनेगा, आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी बातों को सुन रहे हैं ना, तो सुन रहे हैं मतलब क्या हो गया कि आप सेकेंड पर्सन हो गए, आप क्या हो गए? सेकेंड पर्सन हो गए। तो मतलब जो हमारी बातों को सुनता है उसे सेकेंड पर्सन, मतलब आप सुनेंगे या आप लोग बहुत सारे होंगे सभी सुन रहे होंगे, तो यू क्या हो गया हमारा? सेकेंड पर्सन हो गया। फर्स्ट पर्सन जो बोलेगा, सेकेंड पर्सन जो सुनेगा, और इसके अलावा जितने बच जाएंगे सभी के सभी थर्ड पर्सन। जैसे वह तो यहाँ पर है नहीं, तो थर्ड पर्सन। रोहन, रोहन यहाँ पर नहीं है लेकिन उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो रोहन क्या हो गया? थर्ड पर्सन। रमेश थर्ड पर्सन, सुरेश थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन में भी दो चीजें होती है, थर्ड पर्सन में दो बातें, एक होता है कि थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो सकता है और थर्ड पर्सन में प्लुरल भी हो सकता है। तो जब किसी एक व्यक्ति का थर्ड पर्सन में बोध हो, जैसे मान लीजिए ही, वो एक लड़की की बात हो रही है तो सिंगुलर हो गया। सी, ये भी एक लड़की की बात हो रही है, सिंगुलर हो गया। इट, ये भी आपका सिंगुलर हो गया, लेकिन पुल्लल में जाइएगा तो हो जाएगा दे, वे लोग। ये क्या हो गया? ये हो गया आपके पुल्लल में थर्ड पर्सन का। या फिर दो कोई नेम आ जाए, रोहन एंड मोहन, तो ये भी क्या हो जाएंगे? थर्ड पर्सन का पुल्लल ही हो जाएगा। क्लियर है इतना? इतना जिसे क्लियर हो गया उसे भड़बोल और भड़फाई की दिक्कत कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, ठीक है? तो क्या कहता है कि ही, सी, इट या कोई भी अगर नेम हो तो इन्हीं के साथ आपका क्या लगेगा? वर्ब फाइव लगेगा। क्या लगेगा? वर्ब फाइव लगेगा, या सीधे शब्दों में कहे वर्ब वन के साथ ई एस या एस जुड़कर लगेगा।
अब कह रहा है कि ही सी इट और किसी भी नाम के साथ लगेगा, मतलब सीधे शब्दों में कहे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, तो वर्ब फाइव लगेगा। वर्ब में क्या जोड़ना पड़ेगा, एस या ई एस जोड़ना पड़ेगा। बोलिए क्लियर हुआ सभी को, क्लियर है? एस या ई एस कब जोड़ेंगे, जब थर्ड पर्सन का हमारा सिंगुलर नंबर हो। तो ही सी इट हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए वर्ब के साथ इसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। क्लियर है? तो इसमें देखिए रमेश, रमेश क्या हो गया, कोई नाम हो गया, तो नेम इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो नेम के साथ क्या लगना चाहिए, वर्ब फाइव। तो पहले वर्ब लिखिए, वर्ब इसमें रमेश काम क्या कर रहा है, जाने का, तो जाने का इंग्लिश गो, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एस या ई एस लगा दीजिए, तो गो के साथ क्या लगाइएगा, ई एस लगाइएगा, तो गोज। क्लियर है? उसके बाद जितने भी अदर वर्ड है, कॉम्प्लीमेंट या अदर वर्ड है, उसको जोड़ दीजिए आप, तो टू, और बाजार का इंग्लिश क्या होता है, मार्केट, तो ये हो गया मार्केट। बोलिए बन गया कि नहीं बन गया सेंटेंस, कितना इजी है बनाना, बताइए कितना इजी है बनाना, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। जब क्या लगे, इसके साथ में आपका क्या करेंगे, आपको रूल से अगर बनाएंगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए तो एक बार, मैं तुम्हें बुलाता हूं, मैं तुम्हें बुलाता हूं, क्लियर है? ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट का है, क्योंकि बुला तो भी रहा हूं मैं, तत्काल का एक्शन है, ठीक है। तो एग्जांपल इसको क्या बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट, तो बुलाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई, क्लियर है? तो आई के साथ वर्ब जो लगेगा, अब जरा देखिए, ही सी इट और नेम, इस चारों में से कुछ है क्या आई, बिल्कुल भी नहीं है। तो उस कंडीशन में सिर्फ वर्ब लगेगा, उसमें एस या ई एस बिल्कुल भी नहीं लगाना है। तो बुलाना का इंग्लिश कॉल, सी ए डबल एल, कॉल, क्लियर है? उसके बाद क्या कहता है कि वर्ब वन या वर्ब फाइव लगाने के बाद ऑब्जेक्ट लगा दीजिए आप, तो किसको बुला रहे भाई, तो तुम्हें बुला रहा है, तो तुम्हारा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, आई कॉल यू, आई कॉल यू। बताइए कितना इजी है, बन जाएगा सबसे इजीली बन जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। मतलब अगर बनाना होगा स्ट्रक्चर तो हमें सिर्फ इसी रूल का फॉलो करना है, इसे नोट में लिख लीजिएगा, नहीं तो बार बार फंसिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बन जाएंगे स्ट्रक्चर, ये असर्टिव सेंटेंस का बन जाएगा सबका, सबका बन जाएगा। तो बात आती है कि अगर बीच में नहीं दे दे, बीच में अगर निगेटिव जोड़ दे, तो क्या करना है आपको, जरा समझिए इसे। बीच में अगर नॉट जोड़ दे, बीच में क्या जोड़ दे, नॉट जोड़ दे, अर्थात निगेटिव बना दे, तब आप क्या कीजिएगा, इसका एक गोल्डन रूल है, एकदम गोल्डन गोल्डन रूल आपको देते हैं आप। देखिए क्या है गोल्डन रूल, देखिए निगेटिव, निगेटिव का मतलब क्या हो गया, नकारात्मक सेंटेंस हो जाए। अब जरा गौर कीजिए, ये सब्जेक्ट दिया हुआ है, सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगाएंगे, इसके साथ नॉट लगाएंगे, इसके साथ वर्ब वन लगाएंगे, इसके साथ ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स लगाएंगे। क्लियर है आप लोगों को? तो कहेंगे कि इतना बड़ा करेंगे, याद करेंगे, रटेंगे, समस्या होगी, तो मैंने तो पहले ही कहा था रटना तो है ही नहीं आपको, तो नहीं रटना है तो क्या करना है आपको भाई, तो आपको समझना पड़ेगा। निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, क्या होता है, नकारात्मक। अब नकारात्मक सेंटेंस का मतलब क्या होता है, जो बिल्कुल न होने वाला चीजें हो, जैसे मैं बाजार में आम नहीं खाता हूं, मैं बाजार में आम नहीं खाता हूं, तो भाई ये तो काम नहीं कर रहा है, ये तो कह रहा है कि काम मैं करता ही नहीं हूं, आम खाता ही नहीं बाजार में, तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो नकारात्मक के लिए रूल तो ही रहेंगे, लेकिन इसे सॉर्ट कैसे करेंगे, समझेंगे कैसे, रटना ना पड़े कैसे, तो ध्यान रखिए गोल्डन रूल सीखिए,
कि कभी भी किसी सेंटेंस में नकारात्मक लगा हो या सेंटेंस निगेटिव बता रहा हो तो कुछ नहीं करना, उसके शुरू से काउंटिंग करके तीसरे नंबर पर नॉट लगा देना। कितने नंबर पे नॉट लगाना? तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना। तीसरे नंबर पे नॉट लगाते हुए सेंटेंस क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। देख लेते हैं भाई एक बार ट्राई करके, ये काम करता है कि नहीं रूल। इसी सेंटेंस को मैं देख लेता हूं, मैं बाजार में आम नहीं खाता हूं। इसको बनाते हैं। इसमें पहले देखेंगे हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है हमारा? मैं का इंग्लिश आई, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है डू या डज लगाने के लिए, तो ध्यान रखिएगा डज में ईएस लगा हुआ है, तो ईएस वाला कौन है आपका? वर्ड फाइव वाला। वर्ड फाइव में कहता है ही सी इट या कोई नेम हो, तो जरा देखिए मैं कोई नेम है क्या, मैं क्या ही है, मैं क्या सी है, मैं क्या ईट है? बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके साथ डज कभी भी नहीं आएगा, इसके साथ क्या आएगा? डू आएगा। अब काउंटिंग करो कितना हो गया, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तो तीसरा नंबर पे क्या लगाना है आपको? नॉट लगाना है। तीसरा रैंक किसके लिए? नॉट के लिए। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? नॉट लग जाएगा। तो आई डू नॉट, क्लियर है सबको? आई डू नॉट। उसके बाद देखना है कि इसमें वर्ब कौन सा है। तो मैं क्या काम नहीं कर रहा हूं भाई? तो खाने का काम नहीं कर रहा हूं, तो खाना का इंग्लिश क्या होता है? ईट। तो यहां पे लिखेंगे ईट, क्लियर है। उसके बाद कह रहा है कि जितना वर्ड बच गया, जो जो बच गया उसको उतार दो। अब बताओ क्या क्या बचा कि आप क्या नहीं खाते हैं? तो आई डू नॉट ईट अ मैंगो, मैं एक आम नहीं खाता हूं। कहाँ नहीं खाता हूं? इन मार्केट, इन मार्केट, ठीक है, क्लियर है। अब बताओ कितना इजी है। आपको याद रखना है कि तीसरे नंबर पर क्या लगाना है आपको? सिर्फ नॉट लगाना है, और डू या डज का सेम रूल होगा जैसा वर्ब वन और वर्ब फाइव का रूल था, सेम रूल यहां पर भी लगेंगे। क्लियर है सबको? अब बन जाएंगे सेंटेंस। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। वह तुम्हें नहीं पीटती है, वह तुम्हें नहीं पीटती है। लड़कियां थोड़ा पीटने में आगे होती है। पीटने का मतलब है कि देखिएगा, नेल एकदम भूत जैसे चुड़ैल जैसे बढ़ाती है, झगड़ा हुआ के बस खतरा है। इसलिए गलती से भी लड़कियों से झगड़ा ना कीजिएगा, बहुत रिस्की है। देखिए वह तुम्हें नहीं पीटती है, नहीं पीटती है का मतलब क्या? अब इसे सेंटेंस को बनाना है, तुरंत सब्जेक्ट ढूंढ लिया, वह सब्जेक्ट हो गया, तो वह के लिए क्या लगेगा यहाँ पे? ही या सी? तो सी लगेगा, क्योंकि पीटती मतलब कोई लड़की है, तो लड़की के लिए वह क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। गुड। अब सी के साथ क्या लगेगा? अब बताइए, ही सी इट में से नाम हो गया तो वर्ब फाइव लगेगा, तो वर्ब फाइव वाला में क्या लगना चाहिए यहाँ पे? डज लगना चाहिए। तो लिखेंगे डज, ठीक है। अब कितना हो गया? पहला नंबर, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर किसके लिए सीट खाली है? नॉट के लिए। तो तीसरे नंबर सीट पे कौन बैठेगा? नॉट बैठेगा, क्लियर है यहां तक? तीसरे नंबर सीट। अब उसके बाद कह रहा है भर को ढूंढिए, तो वह क्या कर रही है भाई? तो पीटने का काम, तो बीट हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर बीटिंग कर देंगे, कुछ लोग बीट्स कर देंगे। मैंने बार बार कहा है कि रूल से बाहर आपको नहीं जाना है। रूल से बाहर मतलब कि आप गेम से बाहर, इसलिए ना रूल से बाहर जाना है ना गेम से बाहर, ठीक है। तो ही डज नॉट बीट यू, यानी यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो यू हो जाएगा। ही डज नॉट बीट यू, यह इजली आप सॉल्व कर सकते हैं, बन जाएगा, इजली बन जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो आज हम लोगों ने दो चीजें देखी, एक असर्टिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। अब बात कर लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यह भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंट्रोगेटिव में भी दो तरह के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होता है जिनमें प्रश्न क्या से पूछा जाए, और एक प्रश्न होता है कि जिसमें क्या कैसे क्यों तीनों लगाओ, कुछ भी लगाओ बीच में जो हो सेंटेंस के। जैसे क्या तुम स्कूल जाते हो, एक ये भी सेंटेंस है, और एक सेंटेंस है तुम स्कूल क्यों जाते हो।
दोनों में इंटोगेटिव है, लेकिन दोनों का बनाने का तरीका जो होगा, सेंटेंस अरेंजमेंट का स्ट्रक्चर जो होगा, अलग अलग होता है। तो पहले हम इंटोगेटिव को समझते हैं, फिर उसके स्ट्रक्चर को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। जरा समझिए कि इंट्रोगेटिव कैसे बनता है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव अब इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया कि प्रश्न पूछने वाला। तो इंट्रोगेटिव में दो तरह के हैं, क्या तुम नाचते हो, क्या तुम नाचते हो, एक हो गया तुम क्यों नाचते हो, क्यों नाचते हो। दो सेंटेंस हो गया, जब बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए और जब शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाए। तो जब शुरू में लगेगा तो उसका रूल अलग होता है, उसका रूल होता है कि डू या डज को बाहर निकाल दीजिए आप, और बाकी रूल सेम रहेगा, सब्जेक्ट वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन जब उस बीच में आ जाए आपका क्वेश्चन वाला वर्ड तो उसका रूल अलग हो जाता है। डब्ल्यू एच वर्ड पहले लिखिए, फिर डू या डज लिखिए, तब सब्जेक्ट और तब आपका ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है आपका? अब जरा इसको बनाकर देखते हैं, क्या तुम नाचते हो, तो क्या के लिए क्या लगेगा शुरू में डू या डज में से, तो तुम है, तुम के अनुसार लगेगा डू। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट यू, और उसके साथ वर्ब वन लगेगा, तो वर्ब क्या है यहाँ पे नाचना, नाचना का इंग्लिश होता है डांस, डू यू डांस। तो ये हो गया आपका सेंटेंस। और ये पूछता है कि तुम क्यों नाचते हो, तो इसमें पहले डब्ल्यू एच वर्ड ढूंढेंगे, क्वेश्चन वाला वर्ड ढूंढेंगे जो डब्ल्यू से या एच से शुरू होने वाला वर्ड है। तो क्यों, क्यों डब्ल्यू से शुरू होने वाला वर्ड है, वाई, तो वाई को शुरू में लिखिए आप, क्या लिखिए वाई को शुरू में लिखिए। उसके बाद देखना है डू या डज लगेगा तुम के साथ, तो डू लगेगा तो लिखेंगे डू। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है तो यू, और उसके बाद वर्ब लिखना है तो वर्ब के लिए क्या हो जाएगा आपका नाचना का डांस, ठीक है। यहाँ पे मैंने आप सब बाहर छोड़ दिया था, तो ये बन गया आपका, बोलिए बन जाएगा आसानी से। तो ये थे आपके इंट्रोगेटिव तक सेंटेंस, जिससे आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। आशा फ्रेंड्स आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल एंड रेगुलेशन के साथ उनके सारे स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।